नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड की। 15% से ज्यादा रैली सीमेंट स्टॉक्स में एक बार दोबारा से रैली शुरू हो चुकी है। बात करेंगे यहाँ पे इंडिया सीमेंट यानी कि राकेश झुनझुनवाला के फेवरेट स्टॉक्स में से एक। यहाँ पर चर्चा होगी कि कितना टारगेट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, साथ में ही बात करेंगे कि क्या आपको निवेश करना है, शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म में कितना टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं, सेफ कितना है, एंड यस मार्केट की वोलेटिलिटी के साथ क्या ये कंबाइन करता है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बात करते हैं कि सपोर्ट लेवल कहां पर है आपका इंडिया सीमेंट्स का। सीमेंट सेक्टर में ओवरऑल अगर आप देखोगे तो रैली स्टार्ट हुई है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया सीमेंट में, आप दूसरे सीमेंट स्टॉक्स को भी देखोगे तो वहां पर भी हलचल मालूम पड़ती है, वोलेटिलिटी है, और वही वोलेटिलिटी आपको बाजार में भी। तो बाजार के रिकवरी में या बाजार में जब गिरावट हुई थी तो उस गिरावट में जिन जिन स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया था वो सभी स्टॉक्स इस समय अच्छी रैली शो ऑफ कर रहे हैं, और यहाँ पर इसी रैली को टैप करना है, इसी मोमेंटम को आपको चेस करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इंडिया सीमेंट कैन बी वन ऑफ योर ऑप्शंस। ठीक है, अभी के लिए अगर आप देखो लोअर एंड पे एक अच्छा खासा सपोर्ट मेंटेन हो रहा है अराउंड 220-221 रुपए के आसपास का। एक प्रॉब्लम थोड़ी सी जो है वो थोड़ा वोलेटाइल होगा आपको इस हफ्ते में, आने वाले वीक में थोड़ा वोलेटाइल देखने को मिल सकता है स्टॉक आपका, बट दैट्स ओके। यहाँ पर 270 का आपका पहला टारगेट मिल सकता है, 240 का स्टॉक है, 270 का आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट यहाँ पर रहने वाला है। अभी के लिए अगर आप देखो तो लेट मी शो यू फर्स्ट डेली चार्ट पैटर्न। डेली चार्ट पे अगर आप आते हो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट पैटर्न आपका बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा इसलिए नहीं है कि जो आपका लास्ट डे फ्राइडे का जो कैंडल बना था वो काफी आउट ऑफ बोलिंजर बैंड है, और इस तरह के जब कैंडल्स आती हैं तो एक से दूसरे दिन में आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है, तो खरीदारी करने का ये मौका मिलेगा, अच्छी खासे खरीदारी करने का मौका है। 220 का सपोर्ट है, 240 का स्टॉक ट्रेड हो रहा है, यानी कि अराउंड अगर ये 235-230 के आसपास भी आपको मिलता है ग्रैब इट, बाय करो स्टॉक को, रखो अपने पोर्टफोलियो में। लंबा अगर राइड करना चाहते हो तो इंडिया सीमेंट में आपको अच्छा खासा मुनाफा लंबे समय में मिल सकता है। अराउंड अगर आप 2 से 3 महीने जाते हो तो ये स्टॉक आपको 280 से 300 तक के लेवल्स पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। खरीदारी करने की सलाह है मेरी। RSI अगर आप देखोगे तो 80 का RSI है, MACD पर स्ट्रॉन्गली बुल रन में है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं, तो ओवरऑल चार्ट है वो बहुत गजब का है। ठीक है, तो खरीदारी करने वाला चार्ट है, खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको रहेगी। 300 तक के लेवल्स आपको अगले आने वाले 2.5 से 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। 270 का मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है, खरीदारी करने की सलाह। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। मार्केट की कंपैटिबिलिटी में सेटअप है पूरी तरह से, ये जिन भी स्टॉक्स में मार्केट में गिरावट हुई थी आरजे साहब के मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स रिकवरी में है, तो इसमें भी मौका आपको नहीं छोड़ना चाहिए, खरीदारी करो। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या है आपके स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो, कुछ पूछना हो तो।